नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज पूरे दिन हमारी नज़रें बनी रहेंगी इन तीन बड़ी खबरों पर, और वो बड़ी खबरें हैं राजनाथ सिंह का जो अमेरिकी दौरा है, जहां से एक सकारात्मक अच्छी खबर ये आई है कि भारत को मिलेगा एंटी सबमरीन हथियार सोनोवॉय, और कैसे वो रक्षा क्षेत्र में भारत को और उन्नत बनाएगा। दूसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी निगाहें रहेंगी वो है देश भर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और साथ ही तीसरी नज़र जिस पर पूरा देश इस वक्त काफ़ी आक्रोशित है वो खबर है कोलकाता रेप केस मामले की, और सीबीआई इस मामले में सच का खुलासा करने में लगी है। पॉलीग्राफ टेस्ट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इस पूरे मामले पर बताया जा रहा है। इन तमाम खबरों पर हम रखेंगे अपनी पैनी नज़र, और आइए अब डालते हैं एक निगाह इस वक्त की खास सुर्खियों पर। अमेरिकी रक्षा विभाग ने विदेशी रक्षा सौदों को दी मंजूरी। भारत सरकार को एंटी सबमरीन हथियार सोनोवॉय देने का फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अमेरिका दौरे के बीच दोनों देशों के बीच हुआ $5 करोड़ से अधिक का रक्षा सौदा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर बीजेपी का कटाक्ष। भाजपा शासित राज्यों के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रदेशों में मीडिया के जरिए कांग्रेस को दिखाएंगे आईना। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर सीबीआई सच का पता लगाने के लिए जुटी। वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित सभी दस्तावेज आज एसआईटी ने सीबीआई को सौंपे। सीबीआई आज करा सकती है संजय रॉय समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज रायपुर में अनेक कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के साथ करेंगे अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास संबंधी बैठक को करेंगे संबोधित। क्रिकेट को कह रहा हूं अलविदा। फैंस के नाम भावुक संदेश जारी कर शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो साझा कर दी जानकारी। और देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना। त्रिपुरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना का बचाव कार्य लगातार जारी। और सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर, जहां सीबीआई सच का पता लगाने के लिए जुटी हुई है। आरजीकर में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित सभी जो दस्तावेज हैं वो आज एसआईटी ने सीबीआई को सौंपे। वहीं इस मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सीबीआई आज संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है, और हालांकि कुछ खबर ये भी आ रही है कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो कि संजय रॉय संदीप घोष का है वो जारी हो चुका है, क्योंकि इसकी मंजूरी पहले ही मिल गई थी। सीबीआई इस मामले में संदीप घोष के अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। इससे पहले सीबीआई संदीप घोष से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति सीबीआई को पहले ही मिल चुकी है। सीबीआई संजय रॉय समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट आज करा सकती है, और आरोपी संजय रॉय को पहले ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोलकाता में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। राज्य में रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर्स का काम बंद है, और निकट भविष्य में सफलता मिलने की उम्मीद अभी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि डॉक्टर्स का ये मानना है कि जांच में कोई प्रगति नहीं दिख रही है। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष बलात्कार और हत्या के मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई के सॉल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स की विशेष शाखा के समक्ष पेश हुए। सीबीआई जांच के दौरान उन्हें कई सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया, ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके, और इस मामले में अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जुड़ गए। प्रसन्नजीत, सबसे पहले तो यही जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि कई समाचार पत्रों के हवाले से और जो वेबसाइट्स हैं उनके मुताबिक जो ये पूरा मामला है से लेकर पॉलीग्राफ जो टेस्ट है वो शुरू हो चुका है, क्या जानकारी है इसे लेकर? हाँ देखिए, ऐसा ही हमारे सूत्र के अनुसार भी पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गए हैं, और इस...
तो पॉलीग्राफ टेस्ट में बड़े सवाल बहुत हैं। सवाल ये कि क्या वारदात के बाद सबूत मिटाए गए, क्योंकि ये खबर हमने सबसे पहले आपके सामने रखी कि कोलकाता में जो ये बड़ा मामला सामने आया, बड़ी घटना, विभत्स घटना, हृदय विदारक ये पूरा कांड है, और अब जो पॉलीग्राफ टेस्ट इसे टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है कोलकाता दुष्कर्म हत्या मामले में, वो शुरू हो चुका है। सबसे अहम यहाँ पर ये कि कई ऐसे सवाल जिनके जवाब सीबीआई को चाहिए कि किस तरह से सबूत जो है वो मिटाए गए, सबूतों की हिफाजत नहीं की गई, क्योंकि टैम्परिंग ऑफ एविडेंस इस केस का सबसे बड़ा लूपोल माना गया है। संदीप घोष, संजय रॉय और इसके अलावा जो चार ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, वो ट्रेनी डॉक्टर्स जिनके साथ पीड़िता ने जब इस घटना को अंजाम, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उससे पहले खाना खाया था, तो आप समझ सकते हैं कि कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी सीबीआई। तो साथ ये जो तमाम लोग हैं इनका पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है, कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई को चाहिए कि आखिरकार जिस तरह से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश, क्या सबूत मिटाए गए और क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, और सबसे अहम यहाँ पर ये कि कई अलग अलग सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि संदीप घोष के बॉडीगार्ड के रूप में संजय रॉय काम करता था, और संजय रॉय की अगर बात की जाए तो उनका जो साइको एनालिटिक टेस्ट भी हुआ उसमें भी कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। तो कैसे ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो जिसे हम कह सकते हैं सच उगलवाने के लिए एक बहुत बड़ा साधन हथकंडा माना जाता है, उस लिहाज से क्या जो ये टेस्ट है वो इन तमाम सवालों के जवाब दे पाएगा या नहीं, क्योंकि जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता पुलिस को जमकर फटकार लगाई, आप समझिए कि एफआईआर दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कर दिया गया। ये जो संवैधानिक पीठ है उसने कहा कि 30 साल के इतिहास में ऐसा देखा नहीं गया, लेकिन ये कोलकाता पुलिस ने किया है, यानी एक बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन ये रही। तो इस पर किस तरह का संज्ञान, स्वतः संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। प्रसन्नजीत एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई को चाहिए, और जिस हिसाब से सूत्रों के हवाले से हम भी ये खबर चला रहे हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है, जिसमें ख़ास तौर पर अगर देखा जाए इस केस में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है टैम्परिंग ऑफ एविडेंस और एक बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस द्वारा, जिसकी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई थी। हाँ देखिए आंचल, मुश्किल इस बात की है कि जो जूनियर डॉक्टर हमारे यहाँ पे या रेसिडेंट डॉक्टर जो भी है पूरे बंगाल में अलग अलग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, इनका एक ही मांग है कि जैसे भी हो ऐसा नहीं हो सकता है, उनका जो अपना पढ़ाई के दौरान जो कुछ भी उन्हें जानकारी मिलता रहता है एमबीबीएस पढ़ाई के दौरान, कि ये जो घटना है जिसमें ये पीड़िता को किसी एक इंसान ने इस तरह से दरिंदगी के साथ मौत की घाट नहीं उतार सकते हैं, तो इसीलिए इनके एक चाहत है सीबीआई की तरफ से, जो पुलिस की ऊपर से इन लोगों की आस्था उड़ गया था, तो सीबीआई की तरफ से कुछ नतीजे निकले और कुछ दिशा मिल पाए कि क्या हुआ था उस रात 8 और 9 अगस्त की रात को, जिसके कारण इस तरह से बर्बरता के साथ उनके दीदी जो है वो लेडी डॉक्टर को मरना पड़ा, अपना जान खोना पड़ा। तो अब मुश्किल इस बात की है कि पिछले 10 दिन होने के बाद भी सीबीआई की तरफ से कुछ इन लोगों को कम से कम पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए काफी सारे उम्मीदें इस पॉलीग्राफ टेस्ट के ऊपर टिकी हुई है। और जैसे हमारे पास खबर है सूत्र के हवाले से कि पॉलीग्राफ टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है, किससे हुआ है ये मालूम नहीं है, लेकिन आप जैसे सबको पता है कि 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट का अनुमति मिला है, एक तो जरूर डॉक्टर संदीप घोष, साथ में और 4 डॉक्टर जो उस रात अस्पताल में मौजूद थे, उसके अलावा संजय राय जो पहले से ही गिरफ्तार हुए हैं, और एक सिविक वॉलंटियर जो संजय राय की करीबी है। तो ये 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट का जो अनुमति है ये सीबीआई ने निकाले हुए हैं, और किसी एक का या दो का जो भी हो ये पॉलीग्राफ टेस्ट चालू हुआ है। सिर्फ इसमें एक दिक है कि संजय राय जो अभी जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं, इसका पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे किया जाएगा, क्या जेल में जाके किया जाएगा या इनको किसी जगह पे, लेकिन उसके लिए फिर अदालत का अनुमति लेना पड़ेगा।
तो अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि 6 लोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट का शुरुआत आज हो चुके हैं आंचल। प्रसन्न जी, लेकिन इस मामले में नित रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जो पूर्व सुपरिटेंडेंट हैं अख्तर अली, उन्होंने कई सनसनीखेज आरोप लगाए, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं संदीप घोष को लेकर, खैर ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये 30 साल के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने भी माना देखा गया कि भाई अभी पोस्टमार्टम आपने पहले कर दिया और FIR तक दर्ज नहीं की, और पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर शामिल हैं उनका भी मानना है कि बहुत मंथन के बाद ये डिसाइड करके ऐलान किया गया कि भाई इसे सुसाइड बताया जाए। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ कानून व्यवस्था है पश्चिम बंगाल में, उस पर सवाल या निशान खड़े करती हैं। देखिए आंचल, जो हुआ है ना, अभी जो स्थिति है, अभी पूरा समाज की जड़ तक पहुंच गया है इसका, ये घटना की बारे में महिलाओं की मन में जो आतंक है, जो आक्रोश है, और फिर बेटियों की मन में जो आतंक है, जो आक्रोश है, इसे ना सिर्फ अदालत के दायरे में या किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन या CBI की इन्वेस्टिगेशन के दायरे में बंधे रखना, ये काफी मुश्किल बात है। हर दिन हम अलग अलग पेशे की लोगों को देख रहे हैं कि वो रास्ते पे उतर रहा है, किसी भी नेता की बगैर, किसी भी राजनीतिक झंडे की बगैर, ये अपने आप ही रास्ते पे उतर रहा है। मैं बता दूं कि ये जो संदीप घोष की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के बारे में राज्य प्रदेश सरकार की तरफ से SIT बनाया गया था, वो SIT को कल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, और ये जो इंक्वायरी है, ये जो तहकीकात है, ये भी CBI के दायरे में लाया गया है। तो मतलब ऐसा है कि पूरे जो शासन और प्रशासन के ऊपर लोगों की भरोसा चले गए, और एक सबसे खतरनाक बात मैं कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल से मैं कल से सोच रहा था कि ये कहना जरूरी है, प्रतिक्रिया देख रहा हूं उससे कहना जरूरी है कि जिस तरह से कपिल सिब्बल की जी कल सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसके बाद ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो प्रदेश सरकार के खिलाफ लोगों की गुस्सा, और वो सारे वकील जो पीड़िता की विपक्ष में, मतलब सरकार की पक्ष में खड़े होकर कुछ करने की, कुछ बोलने की कोशिश में थे, उनके खिलाफ भी समाज में एक गुस्सा पैदा हो गया जो काफी खतरनाक है आंचल। बिल्कुल, और उसका उस पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई जब कपिल सिब्बल वहां पर मुस्कुरा रहे थे, तो ये संज्ञान कोर्ट ने भी लिया था। एक सवाल मैं ये भी करना चाहूँगी आपसे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि लगातार CBI और जिस तरह से साइको एनालिटिक्स की जो टीम है वहाँ पर मौजूद है, ये मानना कि ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये जो पूरा हत्याकांड, साथ ही साथ रेप मर्डर मामला है, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। क्या अभी तक इसमें कोई प्रोग्रेस CBI को मिली है कि क्या इसमें कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं? क्या कहीं पर, अगर हम कहें, कोई कड़ी मिलती हुई नज़र आती है कि इसमें और लोगों के भी शामिल होने का कहीं ना कहीं अंदेशा CBI को है? क्योंकि बहुत बड़ा नेक्सस RGKR मेडिकल कॉलेज में चल रहा था संदीप घोष के हवाले से। प्रसन्नजीत जी, तो कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन लगातार प्रसन्नजीत हमारे साथ बने हुए हैं, और ये दो तमाम सवाल हैं, उनके जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि संदीप घोष का जो नेक्सस RGKR मेडिकल कॉलेज में था, उसका आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि जब ये बड़ा मामला सुर्खियों में आया, हालांकि इसे पहले सुसाइड बोला गया, उसके बाद जिस तरह से पता लगा कि भाई ये रेप और हत्या का मामला है, उसके बाद संदीप घोष को बड़े और प्लम पोजिशन पर ट्रांसफ़र कर दिया गया, और जो पूर्व सुपरिटेंडेंट है उनके द्वारा भी कई अहम बातें निकलकर सामने आई हैं संदीप घोष के खिलाफ। तो इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है, संदीप घोष का कितना हाथ है, संजय रॉय क्या बलि का बकरा तो नहीं है, ये तमाम जो सवालों के जवाब है वो पॉलीग्राफ टेस्ट से कहीं ना कहीं साफ होते हुए नजर आएंगे। और लगातार प्रसन्नजीत जब हमसे फिर जुड़ेंगे, हम इस मामले में और ताज़ा अपडेट आपको आपके साथ साझा करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिला लिया। सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने के आरोप के साथ भाजपा इस गठबंधन को लेकर लगातार हमलावर है। गठबंधन के विरोध में BJP आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध दर्ज करवा रही है। BJP शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री,
उप मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता अपने अपने प्रदेशों में मीडिया के जरिए कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने यह गठबंधन एक बार फिर अपने देश विरोधी योजना को देश के सामने रखा है, यानी कि जो गठबंधन है ये देश विरोधी योजना का जो उनका वक्तव्य है वो सामने रखता है देश के। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय संविधान के प्रति उनकी निष्ठा पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा रखने की घोषणा का समर्थन करती है? कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सवाल उठाए। अमित शाह ने कांग्रेस और एनसी से 10 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वायदे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35 को हटाएंगी? ये तमाम 10 सवाल हैं जो गृहमंत्री पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ अलगाववाद को बढ़ावा देगी? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों को लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर देगी? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहेमारन के नाम से जाना जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर भ्रष्टाचार की आग में झोंकना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी JKNC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? और क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की JKNC की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? तमाम बड़े सवाल जो केंद्रीय गृह मंत्री ने पूछे हैं। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश की विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी दिल्ली BJP दफ्तर पर आयोजित की गई और इस बैठक में बड़ी संख्या में दिल्ली BJP भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और दिल्ली BJP के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हुए। बैठक का आयोजन संगठन को चुस्त दुरुस्त करने और आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को संगठित करना है।
और इस मामले पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता राजेश राज। राजेश, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की बात कर रही है विधानसभा चुनावों को लेकर, दोनों पार्टियां अलग, दोनों के स्कूल ऑफ थॉट अलग, विचारधाराएं अलग, दोनों की मैनिफेस्टोज भी अलग थे, और अब एक धरातल पर सिर्फ चुनावी फायदे के लिए साथ आना साफ तौर पर कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो दोस्ती इस चुनाव को लेकर साफ साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, उसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने 10 सवाल जो हैं वो कांग्रेस से पूछे हैं। और आपने बताया अपने एंकर में कि किस तरीके से गृहमंत्री ने कराड़ा हमला बोला है कांग्रेस के ऊपर, कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक नेताओं में एक थे, वो लगातार कश्मीर के सवाल पर आक्रामक थे और वो कहा करते थे कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धारा 370 और 35A हटने से पहले तक इस नारे को प्रमुखता से उठाया करते थे और कहते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कश्मीर के सवाल पर अपने को एसोसिएट करते थे। अब जबकि धारा 370 और 35A को गृहमंत्री अमित शाह ने ख़त्म किया, उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो कवायद दो निशान, दो विधान और दो प्रधान को लेकर थी, उसको खत्म करने में भारत सरकार कामयाब हुई गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में। और धारा 370 के समाप्ति के बाद कश्मीर में गाड़ी जो है वो पटरी पर आ गई, और उस पटरी पर आने के बाद जो पत्थरबाज थे वो घरों में बैठ गए। हिंसा और आतंकवाद की आगोश में छटपटा रहा कश्मीर कहीं ना कहीं विकास की तेज रफ्तार पटरी पर अपने को जब देखने लगा, तो गृहमंत्री अमित शाह अब उन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की बात कर रही है, पत्थरबाज और आतंकवादियों का समर्थन करने की बात करती रही है, तो कांग्रेस क्या उनसे हाथ मिलाकर अपने जो उनके एजेंडे हैं उस एजेंडे से अलग होकर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर बातचीत करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करेंगे, उनके घोषणा पत्र पर अमल करने की बात करेंगे। तो एक बड़ा सवाल है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस सवाल पर आंदोलित हैं, देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी पर जहां मैं खड़ा हूं, यहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की विस्तारित बैठक चल रही है, और बैठक के बाद 1 बजे तरुण चुग जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और बीरेन सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिस्सा होंगे। तो कहीं ना कहीं जो बैठकों का दौर है, जो कार्यकर्ताओं को चाक चौबंद चुस्त दुरुस्त करने का दौर है, और इसके अलावा अहम केंद्र बिंदु निकलकर सामने आएंगे। राजेश, समय हमारे पास कम है क्योंकि बहुत सी बड़ी खबरें इस वक्त डेवलप हो रही हैं, आपसे आगे भी इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं असम के नौगांव जिले का, जहां धींग सामूहिक बलात्कार की घटना के मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम का शव एक तालाब से बरामद किया गया। नौगांव के SP स्वपनील डेका ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने उसे पहले भी गिरफ्तार किया था, जब पुलिस की टीम को उसे जांच के लिए कल रात वो घटना स्थल पर उसे ले गई तो उसने भागने की कोशिश की। घटनास्थल के पास स्थित एक तालाब में वो कूदा। तलाशी के बाद आज सुबह SDRF की टीम की मदद से पुलिसकर्मियों ने तालाब से उसका शव बरामद किया है। और गुवाहाटी से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कमल बोरा। कमल, खास तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ही हृदय विदारक की घटना रही, लेकिन जिस तरह से अगर इस आरोपी की बात की जाए जिसका शव अब तालाब से बरामद किया गया है, अब आगे की जो पुलिस प्रक्रिया है वो किस तरह से रूप लेने वाली है?
बिल्कुल देखिए आंचल, इस घटना से हम लोग दो चीज़ें यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, वो है जब भी असम में ऐसे घटना घटित होता है, खास करके हम लोगों ने पिछले 3 साल में ये डेवलपमेंट यहाँ पे दिखा है कि जब भी ऐसे कोई घटना कहीं पे भी होता है असम में, उसको जीरो नीति को सामने रखते हुए असम सरकार या फिर पुलिस प्रशासन काम करते आए हैं। और इस घटना के मामले में भी हम लोगों ने ये देखा है, क्योंकि परसों शाम को ही ये घटना संघटित हुआ था ढींग में, और तभी लोग रास्ते पे उतर आए थे, इस घटना को निंदा करते हुए और दोषी को पकड़ने की मांग रखते हुए सामने आए थे। और कल सुबह ही असम के डीजीपी ढींग के लिए रवाना होते हैं, परिस्थिति का जायजा लेते हैं और वहाँ पे लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि वो दोषी को जल्द ही जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे। और हम लोग ये देखते भी हैं कि घटना संघटित होने के 24 घंटे के अंदर ही दोषी को जो मूल दोषी को पकड़ भी लेते हैं, जिसका नाम तफजुल इस्लाम आपने बताया भी है, तो उसको पकड़ भी लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन को आगे भी लेके जाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि ये घटना संगठित करने वाले 3 अभियुक्त हैं, जिसमें से एक था तफजुल इस्लाम और बाकी 2 अभी भी भागे हुए हैं और उसको भी पकड़ने की यहाँ पे कोशिश जारी है। और जो नौगांव की जो SP है, उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी दोनों को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्दी जल्दी फिलहाल दबिश जारी है, उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां मायावती ने कांग्रेस और सपा पर फिर एक बार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा को उन्होंने SC ST के आरक्षण पर घेरा। कांग्रेस और सपा आरक्षण विरोधी हैं और सपा कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा SC ST विरोधी है। अगर आपको संज्ञान रहे तो डीडी न्यूज ने पहले भी, आज से 2 हफ्ता पहले, जब इस तरह से उन्होंने ट्वीट कर ये कहा था कि भाई सारा आरक्षण जो है, यानी कि आरक्षण का सारा जो लाभ, या हम ये कहें कि उसके जननेता माने जाते हैं भीमराव अंबेडकर, लेकिन उसे सिरे से खारिज किया था कांग्रेस पार्टी ने, खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर, तब भी इसी तरह से मायावती ने ट्वीट किया था। विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विकास, एक बार फिर आड़े हाथों लिया है, खास तौर पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर सपा और कांग्रेस को बसपा सुप्रीमो मायावती ने, क्योंकि जो 1 अगस्त 2024 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है क्रीमी लेयर को लेकर, उस पर अभी तक दोनों पार्टियों ने चुप्पी साधी हुई है। विकास जी, बिल्कुल, मायावती ने जिस बात को कहा है ये हमने देखने को भी मिला कि जब भारत बंद की बात थी तो उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी रुख नहीं था। इस पर मायावती ने संदेह भी व्यक्त किया है और इस मुद्दे पर मायावती जिस तरीके से एक बार फिर से अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते हुए नजर आ रही है, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस पर एक बार फिर से करारा हमला किया है और कहा है कि लगातार पिछड़ों का जो आरक्षण होता है उस पर इनका रुख कोई भी साफ नहीं है। और समाजवादी पार्टी की बात करें उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से दलितों के विरोध में ही इस पार्टी की उत्पत्ति हुई थी, इसके बाद लगातार हम देख रहे थे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा जमीन पर आमने सामने रहे और यही एक कारण रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ 2019 के चुनाव में, उसमें भी जो कह रहे हैं आगे ये नहीं चल पाया, इसलिए कि आम कार्यकर्ता जो तमाम सारे दलित पिछड़े होते हैं उनका जो खासतौर से समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है उससे उनकी कभी कोई बैठ नहीं रहती है। ये जब जाहिर है उत्तर प्रदेश का आम व्यक्ति भी जानता है इस बात को कि समाजवादी पार्टी के जो नेता होते हैं वो कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं और खासतौर से एसटी एस टी जो वर्ग है वो काफी ज्यादा इन लोगों से प्रताड़ित रहता था। ये हमेशा की उत्तर प्रदेश की ये तमाम सारे वाक्य होते थे। बिल्कुल साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो का मानना है कि कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन की चुप्पी उनका असली चेहरा दिखाती है। समय कम है, आगे के बुलेटिन में भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के 10वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और श्रीलंका की रक्षा राज्य मंत्री प्रमिता बंडारा तेनकून अंतिम अभ्यास के साक्षी बने। ये कार्यक्रम श्रीलंका के मदुरा ओया के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सहभागिता को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। मित्र शक्ति अभ्यास दोनों सेनाओं को संयुक्त सैन्य ऑपरेशन के लिए आवश्यक तकनीकी अभ्यासों की रिहर्सल करने के रूप में एक मंच प्रदान करता है। वहीं अभ्यास में भाग लेने आए भारतीय सैन्य दल से उच्चायुक्त संतोष झा ने बात की और 14 दिवसीय ये अभ्यास 25 अगस्त को समाप्त होगा। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।